न्यूज में हूँ आपके साथ पूजा कविया। बात सबसे पहले बड़ी खबर की कर लेते हैं। दिल्ली पिलानी रोड पर किसानों ने जाम लगा दिया है। भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर किसानों की सरसों की खरीद न होने से किसानों में रोष है। भिवानी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। और हाईवे पर लंबा जाम लगा दिया है किसानों ने, तो भिवानी से खबर। दिल्ली पिलानी रोड पर किसानों ने जाम लगाया है। किसानों की सरसों की खरीद ना होने से किसानों में रोष है और इसी वजह से हाईवे पर लंबा जाम उन्होंने लगा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की। भिवानी से खबर, जहां पर दिल्ली पिलानी रोड पर किसानों ने जाम लगा दिया है। दरअसल किसानों की सरसों की खरीद नहीं हो पा रही है, इसी वजह से किसानों में काफी रोष है और गुस्से के चलते हाईवे पर लंबा जाम लगा दिया। हालांकि प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, कितना आश्वासन किसानों को देता है और जाम से कब तक निजात मिलती है, तमाम सवाल बने हुए हैं। दिल्ली पिलानी रोड पर किसानों ने जाम लगा दिया है, उनकी जो खरीद नहीं हो पा रही है सरसों की, उसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। हालांकि सरकार ने कहा था कि चाहे गेहूं हो या सरसों हो, एक एक दाना उठा लिया जाएगा, लेकिन उठान नहीं हो पाया अभी तक। संवाददाता मनोज मलिक है हमारे साथ। मनोज, कब से समस्या आ रही है किसानों को, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि एक एक दाना अनाज का खरीद लिया जाएगा, बावजूद इसके सरसों की खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई। मनोज, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। मनोज, मेरा सवाल आपसे ये है कि कब से ये समस्या आ रही है किसानों को, क्योंकि जब हम बार बार ये देख रहे हैं कि सरकार ने कहा है कि अनाज का एक एक दाना उठा लिया जाएगा, बावजूद इसके सरसों की खरीद अभी तक नहीं हो पाई। देखिए, लंबे समय से जैसे किसानों की फसलें, जब अब धरती पुत्रों की फसलें जब मंडियों में आनी शुरू हुई है, तो मंडियों में आकर जहाँ धरती पुत्रों को दोहरा सामना करना पड़ रहा है, एक तरफ जो मौसम की मार, जो इस समय जो प्रदेश भर में धूल भरी आंधी चल रही है, उसकी वजह से या किसानों को दिक्कत आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब किसानों को अनाज मंडी में अपना गेहूं पहुंचाने के बाद अपना जो सोना है, जो उनकी मेहनत की जो चीज है, उसको उठाने में दिक्कत आ रही है। जहाँ एक तरफ बैंकों के अंदर या किसानों को जो पैसा मिलता है किसानों के आड़तियों के माध्यम से, वहाँ बैंकों में पूरा पैसा ना होने की वजह से बीते दिनों भी यहाँ किसानों और आड़तियों ने मिलकर बैंक के सामने हड़ताल की थी। और अब दूसरा मामला यहाँ आ रहा है कि मंडियों में पूर्ण रूप से सरसों की खरीद नहीं हो रही है, जिसके चलते किसानों को बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किसान परेशान है अपनी इन समस्याओं को लेकर। और आज किसानों ने भिवानी, जो दिल्ली पिलानी मार्ग है जो भिवानी के अंदर, उस मार्ग को जाम कर दिया और जाम करके प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार को लगातार इस बात का देना चाह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार लगातार जो उनके साथ दिक्कतें आ रही है उन दिक्कतों का दूर करे और जो उनकी खरीद है उसको कम से कम खरीद जो है वो समय पर हो। अब ऐसे में मनोज, जाम कब तक खुलने की संभावना है, क्योंकि हाईवे है और लोगों को भी काफी दिक्कतें आ रही होंगी जाम की वजह से? बिल्कुल जी, ये जो मार्ग है, ये दिल्ली पिलानी मार्ग है जो प्रदेश की तीन जो राज्य स्टेटों को जोड़ता है, जैसे राजस्थान से होकर दिल्ली तक की देश की राजधानी को जोड़ता है, जिसमें दो स्टेट जुड़ते हैं, तो लोगों को लंबा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस मार्ग पर काफी स्कूल भी हैं और कॉलेज भी हैं, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और आम आदमी है जो गाँव से, जो किसान है जो सब्जियां फल अपनी दुकानों के लिए रोजमर्रा के जो लेके जाने वाले, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो लोग काफी परेशान है इस जाम को लेकर और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि किसान की उनकी जो समस्या उसका समाधान हो और जल्दी समस्या का समाधान कर उनकी जो खरीद है सरसों की फसल की वो दूर हो। अभी मौके पर कोई अधिकारी, बड़े अधिकारी पहुंचे नहीं है। जब तक बड़े अधिकारी नहीं पहुंचे, तब तक किसानों को पूर्ण आश्वासन नहीं मिलता या उनकी खरीद शुरू नहीं होती, तब तक वो लंबे जाम पर बैठने की चेतावनी। चलिए, शुक्रिया। बिल्कुल मनोज, काफी समस्या किसानों को यहाँ पर आ रही है और इसी वजह से जाम उन्होंने लगा दिया। हालांकि जाम से अब कब तक इनको निजात मिलती है ये देखना होगा।